भगत सिंह, अमर शहीद भगत सिंह, ये हमारे एक ऐसे हीरो है जिनका सिर्फ नाम याद करते ही एक तरीके की एनर्जी फील होती है, उनका सिर्फ चेहरा याद करते ही मोटिवेशन फील होता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है देन आई प्रॉमिस्ड यू, अगर आप भगत सिंह के बारे में सब कुछ जान लोगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान लोगे, उसके बाद आप कभी भी लाइफ में डाउन फील करो ना, जब भी लो फील करो, एक बार उनको याद कर लेना, एक सेकंड में आप मोटिवेट हो जाओगे। 22 23 साल की उम्र में इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए, लोग उनकी 100 साल की ज़िंदगी में ये सब नहीं कर पाते। उनका स्टाइल, पर्सनालिटी, सोच, फोकस, उनका कुछ परसेंट भी अगर हम सब में आ जाए ना, हम हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लेंगे। ये सीरीज़ के 3 पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैं चाहता हूँ कि आप तीनों पार्ट्स को देखें और भगत सिंह को जानें। बातें बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत ही कम है, तो चलिए जल्दी से जाते हैं फ्लैशबैक में और मिलते हैं हमारे हीरो अमर शहीद भगत सिंह से। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका डिटेल्स पर बहुत स्वागत है। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में भगत सिंह का जन्म हुआ था। वैसे आज ये जगह पाकिस्तान वाले हिस्से में उस तरफ है। पिता का नाम था सरदार किशन सिंह और माता का नाम था विद्यावती कौर। बचपन से ही इनका ना ब्रिटिश सरकार से 36 का आंकड़ा था। उनकी स्कूल में इनको पढ़ाई करनी नहीं थी, इसलिए DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में इन्होंने पढ़ाई करना पसंद किया। अब जैसे जैसे इनकी कहानी आगे बढ़ती जाएगी, आप देख पाओगे कि इनका जन्म ही हुआ था कुछ बड़ा करने के लिए। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थे, लेकिन कभी भी इन्होंने पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई नहीं की है, यानी कि सिर्फ नंबर्स के लिए, मार्क्स के लिए, तो फिर वो रिजल्ट के लिए कभी पढ़ाई नहीं की है। अपने स्कूल का सिलेबस तो ठीक है, लेकिन बाहर की दुनिया की इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ चुके थे इतनी छोटी सी उम्र में, एंड मे बी यही सब किताबों की वजह से वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे, उनका दिमाग कुछ अलग ही डायरेक्शन में चलता था। वो बच्चे उस उम्र में क्या सोचते हैं यार, इनका तो कुछ सोच ही अलग था बचपन में भी। कभी भी बुक्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप एक चीज़ मार्क करना, जितने भी बड़े लोग हो चुके हैं ना, सक्सेसफुल लोग हो चुके हैं, उन सबको रीडिंग का शौक रहा ही होगा। बुक्स में वो ताकत होती है इंसान की सोच को बदलने की, उनके जीने का तरीका बदलने की। तो अच्छी किताबें पढ़ा करो, हम सब भी ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। खास करके जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है वो सब किताबें तो पढ़ा ही करो। आगे बढ़ते हैं। अब उस वक्त तो चारों तरफ वही सब चल रहा था, अंग्रेज़ों का जुल्म और हमारे लोगों की गुलामी। 13 अप्रैल 1919 का दिन भगत सिंह की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट, उस दिन ने हिंदुस्तान को भगत सिंह दिया था। 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरुद्ध एक सभा चल रही थी। जनरल डायर अपनी टीम के साथ वहां पर आता है और बिना कोई चेतावनी दिए फायरिंग करवा देता है। हजारों निहत्थे लोग, बेकसूर लोग कुछ पल में, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर एक कुआं होता है उसमें कूदते हैं, लेकिन कोई बच नहीं पाता है। भगत सिंह करीबन उस वक्त 12-13 साल के होते हैं। जैसे उनको ये सब पता चलता है, वो अपने घर से करीबन 30-40 किलोमीटर चल के जलियांवाला बाग पहुंचते हैं। वहां पर जाके वो जो सीन देखते हैं, वो लाशें, खून खराबा, वो दृश्य ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इतना वो उनका इतना दुख हुआ मानो रातों रात एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया हो। बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वहाँ से वो खून वाली मिट्टी उठाते हैं, अपने घर पर लेके आते हैं और कसम खा लेते हैं कि इसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये मेरे देश के लोगों का खून है, अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। उस वक्त गांधी जी का बहुत बड़ा नाम हो गया था, लोग गांधी जी को अपना लीडर मानते थे। गांधी जी जो भी कहते थे पूरा देश मानता था, उनके नेतृत्व में ही सारे आंदोलन किए जाते थे। अब गांधी जी का जो सिस्टम था आप सबको पता ही है कि अहिंसा वाला था, कुछ भी हो जाए लेकिन हमको हाथ नहीं उठाना है, अहिंसा से लड़ेंगे, इन सबको भगाएंगे। और अहिंसा से लड़ने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा रास्ते थे, बहुत ज़्यादा प्लान भी थे और सही वर्कआउट भी हो रहा था सब कुछ, इसलिए लोग उनकी बात मानते थे। अब 1 अगस्त 1920 के दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन यानी कि अंग्रेज़ों से कनेक्टेड हर वो चीज़, हर प्रोडक्ट, कपड़े वगैरह, जो कुछ भी है जो ब्रिटिशर्स से कनेक्टेड है, वो सबका बहिष्कार करना है। चाहे वो टैक्स हो, कुछ भी हो, उनकी नौकरी हो, सब चीज़ छोड़ देनी है। किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों को सरकार चलाने में हेल्प नहीं करनी है, ये आंदोलन का पूरा फॉर्मेट था। भगत सिंह उस वक्त बहुत ही छोटे थे, छोटे से बच्चे ही थे उस वक्त भी, खेलने कूदने की उनकी उम्र थी, लेकिन बड़े ही ज़ोर शोर से इस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। भगत सिंह का मतलब ऐसा हो गया था कि मैं मेरे देश के लिए कहां पर जाकर क्या कर लूं, अंग्रेज़ों को भगाना मतलब भगाना, बस यही एक जुनून सवार हो चुका था उनके दिमाग में।
और एक बहुत बड़ा मोड़ आता है उनकी जिंदगी में। 5 फरवरी 1922 का दिन चोरी चोरा नाम की जगह पर एक जुलूस निकलता है इसी असहयोग आंदोलन के चलते हुए। सब लोग वहाँ पर जाते और यही सब बातें कर रहे होते, प्रचार कर रहे होते कि अंग्रेजों से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करना है। पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है। अब माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, पुलिस वाले भीड़ के कुछ लोगों को गोली मार देते हैं, वो लोग वहीं पर मर जाते हैं। भीड़ बेकाबू हो जाती है और पुलिस स्टेशन को ही जला देती है, बहुत सारे पुलिस वाले उसमें जलकर मर जाते हैं। जब गांधी जी को ये बात पता चलती है उनको बहुत दुख होता है, वो तुरंत आदेश देते हैं कि मैं इस आंदोलन को वापस ले रहा हूँ क्योंकि देश अभी इस आंदोलन के लिए तैयार ही नहीं है। उनका कहना होता है कि मैं यहाँ पर अहिंसा की बातें कर रहा हूँ और तुम लोगों ने वहाँ पर जाकर जिंदा जला दिया लोगों को, आंदोलन बंद कर दो। लेकिन ये बात भगत सिंह को हजम नहीं होती है। बंद कर दो मतलब गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे लेकिन इस बात से अग्री नहीं करते थे। मैं आपको याद करा दूं, अभी भी भगत सिंह बहुत ही छोटे बच्चे ही थे। अब एक छोटे बच्चे का गांधी जी की बात को अग्री करना ना करना क्या मैटर करता है, लेकिन वो दिखने में छोटे थे, उनकी सोच बहुत बड़ी हो चुकी थी। उनका मानना था कि ये लोग हमारे लोगों को मारे जा रहे हैं, हम लोग मरे जा रहे हैं और हम चुप बैठे। शांति से समझाने की कोशिश की इनको, लेकिन इनको ये भाषा समझ में नहीं आती है तो किसी और तरीके से ही सही, लेकिन समझाना तो पड़ेगा, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। फिर क्या, उनको उनकी जैसी कंपनी मिलने लगी, सब जुलूस में ही जाने लगे, जहाँ पर भी मौका मिले अंग्रेजों की बैंड बजाना शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया, भगत सिंह अब कॉलेज में आ चुके थे। बुक्स के साथ इनका पुराना रिश्ता तो था ही, लेकिन कॉलेज में आकर ये शौक और बढ़ गया, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने लगे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इंटरेस्ट था इनको, एक्टिंग वैक्टिंग भी किया करते थे। 17-18 के हो गए जब भगत सिंह, तब घर वालों ने कहा कि बेटा आप शादी कर लो, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, दुल्हन को घर लेके आओ। भगत सिंह जवाब देते थे कि माँ दुल्हन तो मेरी एक ही है, मेरे देश की आज़ादी, मेरे देश की आज़ादी ही मेरी दुल्हन है, वही मेरा सब कुछ है। घर पर एक चिट्ठी छोड़कर एक दिन चले गए। उनकी माँ रोती रही। ऐसा नहीं था कि इन लोगों का एहसास नहीं था कि घर वाले कितना दुखी होंगे अपने ऐसे स्टेप से, लेकिन घर परिवार करियर जिंदगी शादी वगैरह ये सब कुछ बहुत बाद में आता था इनके लिए, देश सबसे पहले, ये सोच थी इनकी। एक और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है इनकी ज़िंदगी में जब वो चंद्रशेखर आज़ाद से मिलते हैं, उनकी टीम से मिलते हैं और उनके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर तो सबकी सोच ऐसी है, रगों में सबके एक ही चीज़ दौड़ती है कि बस भारत देश को आज़ाद देखना है। 9 अगस्त 1925 का दिन इसी टीम ने ब्रिटिशर्स का खजाना लूटा था, ट्रेन लूटी थी जिसे हम काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं। उनको पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स थे भाई आगे। गलत ये हो गया कि इनके दो आदमी पकड़े गए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, और दोनों को फांसी की सजा हुई। इस बात से भगत सिंह का जो गुस्सा था ना अंग्रेजों के ऊपर और ज़्यादा बढ़ गया, पत्रिकाएं लिखना शुरू कर दिया और बांटना शुरू कर दिया, खुद ही लिखते थे खुद ही बांटते थे, और इसी चक्कर में खुद भी गिरफ्तार हो गए। बड़ी मुश्किल से इनको छुड़ाया था, छुड़ाने के बाद फिर से वही काम शुरू। वक्त बीतता गया, 20 साल के हो गए थे भगत सिंह, जब छोटे से थे ना 12-13 साल के तब वो सोच थी उनकी, अब तो 20 साल के हो गए हैं यंग, क्या सोच रही होगी इमेजिन करो। भगत सिंह का कहना था कि हमको सिर्फ भारत की आज़ादी नहीं चाहिए, ऐसी आज़ादी चाहिए कि आज़ादी के बाद भी हर आदमी को बराबर का हक मिले, धर्म के नाम पर समाज का बंटवारा ना हो, पूरा देश एक होकर रहे, ये उनका सपना था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ पहले हमले की तैयारी हो चुकी थी, टारगेट था साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय जी का साथ देने वाले थे ये सब, इनकी जो टीम थी वो उस मोर्चे में। वैसे ये भगत सिंह का स्टाइल नहीं था क्योंकि यहाँ पर वही सब बातें थी, वो नारे लगाना मोर्चा निकालना, लेकिन फिर भी लाला जी ने इनको कन्विंस किया था तो ये सब रेडी हो गए थे वहाँ पर जाने के लिए। उस मोर्चे में पुलिस ने इन सब लोगों के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से लाठीचार्ज करवा दिया। लाला जी की तो काफ़ी उम्र थी, वो जो चोट लगी उनको जो पेन था वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई। इन सब के सामने भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह को ना ये बात यहाँ पर लग गई। सी उन्होंने यहाँ पर भी वो कोशिश की कि नारे लगाए मोर्चा निकाले, लेकिन क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं पर उनकी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशंस हुए थे कि उनको उस रास्ते पर से भरोसा उठ गया था। जब तक ठोकेंगे नहीं ना अंग्रेज़ों को तब तक उनकी अकल ठिकाने पर नहीं आएगी, ये पूरा क्लियर हो चुका था उनके दिमाग में। लाला लाजपत राय ने मरते वक्त कहा था कि मेरी मृत्यु अंग्रेज सरकार के ताबूत के ऊपर आखिरी खिल साबित होगी, और ये हुआ भी ऐसे ही।
चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये जो टीम थी पूरी उनकी, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इसका तो जवाब देना पड़ेगा, सीधा ठोकेंगे उसको जिसने ये लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। तो बस आज की बात यही तक रखते हैं, आगे की बात करेंगे पार्ट टू में जो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि हम सब भगत सिंह को जाने, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाने, उनके सपने के बारे में जाने। उनका सपना ये था कि हम धर्म के नाम पर समाज का बंटवारा ना करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब बातों में ना फंसे, हम सबको एक साथ मिलकर रहना है, ये उनका सपना था। उन लोगों ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर दिया था, ये आप सब जानते हैं। अब हमारी बारी है। उन लोगों ने अपना घर, परिवार, जिंदगी, करियर सब कुछ छोड़ दिया था हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी खुशी के लिए। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके सपने को पूरा करें। हम सब साथ मिलकर रहेंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। हमको सिर्फ इंडियन बनकर रहना है। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कुछ बात करना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मेरी जो भी अपडेट्स रहेगी आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप पर मिलती रहेगी। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो जाने से पहले मैं आपको उन तीन लोगों के नाम भी बता दूं जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग वाले वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। इसका सही जवाब है 5 जून। पता होना चाहिए सबको यार। सबसे पहले सही जवाब दिया था अफेक्शन वीडियोस ने, भाई अपना नाम लिख दिया करो यार। दूसरे नंबर पर सही जवाब दिया है रतन लाल कुमावत ने। और तीसरे नंबर पर सही जवाब दिया है तारकेश्वर रॉय ने। वेल डन गाइस, आज मैं आपको कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ लेकिन एक टास्क दे रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर लिखना कि हम सब एक है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट टू में। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।